Assalamu alaikum. Today our topic is partitioning of a matrix in R. सबसे पहले हम एक matrix create कर लेते हैं. मैंने एक 3x5 का मैट्रिक्स क्रिएट किया है. अपने मैट्रिक्स की कोई भी वैल्यू अलग से प्रिंट करवानी हो तो उसके लिए जो कमांड यूज होती है आज हम उनको डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिंट द वैल्यू ऑफ सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम दैट इज 12. तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे आएगी. जी देखिए, अब हमने प्रिंट करवानी थी सेकेंड रो की और फोर्थ कॉलम की वैल्यू जो कि 12 थी. आप मैट्रिक्स का सबसे पहले नेम राइट डाउन करेंगे, उसके बाद जिस रो की वैल्यू आपने प्रिंट करनी हो और जिस कॉलम की वैल्यू आपने प्रिंट करनी हो, पहले आप रो को राइट करेंगे फिर कॉलम को राइट करेंगे तो हमारे पास उनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी. इसे नेक्स्ट टाइम फॉर एग्जाम्पल हमें टू वैल्यूज को प्रिंट आउट करना है. सेकेंड रो की हम फर्स्ट और थर्ड वैल्यू को अगर प्रिंट करना चाहेंगे तो उसके लिए जो कमांड यूज होगी दैट इज यहाँ पे सबसे पहले आप मैट्रिक्स का नेम राइट करेंगे. उससे नेक्स्ट टू वैल्यू हमने प्रिंट करवानी थी इसलिए हमने यहाँ पे टू राइट किया. सी की कमांड के साथ आप फर्स्ट और थर्ड वैल्यू, क्योंकि हमने यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड वैल्यू को प्रिंट करवाना था तो इसलिए हमने 1 और 3 को राइट किया. तो ये देखिए हमारे पास फर्स्ट वैल्यू जो कि 3 थी और थर्ड वैल्यू जो कि 9 थी वो आ चुकी है. इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने सेकंड रो की फर्स्ट से लेके थर्ड तक वैल्यू को प्रिंट आउट करना है तो उसके लिए कमांड यूज होगी दैट इज, क्योंकि अब हमने फर्स्ट से लेके थर्ड तक वैल्यू को राइट करना था तो इसके लिए कमांड हमने राइट की है ए एज इट इज आएगा जैसे हमने यहाँ पे राइट किया था. टू, क्योंकि सेकंड रो में से हमने वैल्यूज को प्रिंट करना था सी की कमांड के साथ. अब यहाँ पे हमने कॉमा को ऐड किया था क्योंकि हमने फर्स्ट और थर्ड वैल्यू को प्रिंट करना था. अब यहाँ पे हमने फर्स्ट से लेके थर्ड तक वैल्यू को राइट करना है तो इसलिए हम कॉलम का यूज करेंगे. इससे नेक्स्ट है कि अगर हमने इस 3x5 के मैट्रिक्स में से कोई से दो कॉलम्स को राइट करना हो तो उसके लिए जो कमांड यूज होगी दैट इज, देखिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट और फोर्थ कॉलम को प्रिंट किया है तो इसके लिए कमांड यूज होगी. आप सबसे पहले मैट्रिक्स का नेम राइट करेंगे, उसके बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट को पुट करेंगे, उसके बाद कॉमा को राइट करेंगे, फिर सी की कमांड के साथ फर्स्ट और फोर्थ कॉलम यानी जिन आप कॉलम्स को राइट करना चाहते हो आप उनको यहाँ पे राइट करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे. तो ये देखिए हमारे पास फर्स्ट और फोर्थ कॉलम आ चुका है. देखिए यहाँ पे हमारे पास रोज कम्प्लीटली थी, यानी मेरे पास 3 रोज थी तो रोज 3 ही है लेकिन कॉलम्स हमने 1 और 4 लिया है. अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास कॉलम्स तमाम के तमाम एज इट इज रहे लेकिन रोज की हम पार्टीशनिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए जो कमांड यूज होगी दैट इज, देखिए यहाँ पे मैंने रो फर्स्ट और 3 प्रिंट करवाई है और कॉलम्स हमारे पास तमाम है. आपने जो भी रो प्रिंट करवानी हो आप उसको यहाँ पे राइट डाउन करेंगे. यहाँ पे मैंने फर्स्ट और 3 को राइट किया था तो इसलिए हमारे पास फर्स्ट रो इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और थर्ड रो आ चुकी है हमारे पास आउटपुट में. उम्मीद है आपने आज की वीडियो में सीख लिया होगा कि हम किसी भी बड़े मैट्रिक्स की अगर पार्टीशनिंग करना चाहें तो उसको हम किस तरह से कर सकते हैं. कोई भी हमें वैल्यू चाहिए या जितने भी हमें नंबर ऑफ कॉलम या नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड हो किसी भी लार्ज मैट्रिक्स में से तो आप उसको इजीली प्रिंट कर सकते हैं इन कमांड्स को यूज करते हुए. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.